जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, काफी सारे भक्तों का सवाल रहा था कि यात्रा में फोन चार्जिंग की फैसिलिटी कहाँ कहाँ मिलेगी और हम कैसे अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि जहाँ भी आप टेंट में रुकेंगे तो टेंट में आपको होल्डर और बल्ब मिलता है, लेकिन साथ में कई जगह टेंट वालों ने चार्जिंग का भी एक आधा सॉकेट लगाया होता है। वो भी चेक कर सकते हैं, अपने टेंट वाले से बात कर सकते हैं। जैसे कई बार हम रुकते हैं तो बाई चांस चार्जिंग का नहीं ऑप्शन है तो टेंट वाले आगे चार्जिंग का ऑप्शन लगा देते हैं। हम तो अपने साथ में एक्सटेंशन बोर्ड ले जाते हैं ताकि एक बारी में दो तीन फोन चार्ज हो जाए। जितने 10 लोग टेंट में रुके हुए हैं सबके पास फोन है, कैमरा भी चार्ज करना है आपको, तो अपना एक्सटेंशन बोर्ड लगा के आप उससे टेंट वाले को बोलेंगे, उसे कनेक्शन कर देगा तो आप चार्ज कर सकते हैं। अगर और उसका एक फिक्स टाइम होता है क्योंकि टेंट की लाइटें जो है शाम को 8 बजे बंद हो जाती हैं, तो आपको उससे पहले पहले अपने फोन चार्ज करने पड़ेंगे। ये हो गया पॉइंट। अगर उसके अलावा भी आपके फोन चार्ज नहीं हो पा रहे हैं और दिक्कत आ रही है आपको, तो दूसरा पॉइंट है भंडारों में। भंडारों में भी फोन चार्जिंग की फैसिलिटी होती है मैक्सिमम भंडारों में, लेकिन वहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है क्योंकि मैक्सिमम यात्री कोशिश करते हैं कि भंडारों में कर लें। जैसे आप प्रसाद देने गए रात के टाइम पे, प्रसाद ग्रहण करने गए, उस टाइम उन्होंने चार्जिंग पे लगा दिया, तो मैक्सिमम भंडारों में फुल मिलता है। लेकिन अगर फिर भी आप भंडारे वालों से बात करेंगे और वेट करेंगे तो भंडारों में सकता है। ऐसे ही आपका पहलगांव में भी है, शेषनाग में भी है, टेंटों में लाइट की फैसिलिटी रहती है, पर यही कि 8-9 बजे लाइट बंद हो जाती है और मॉर्निंग में भी लाइट स्टार्ट नहीं होती है, तो रात को ही आपको शाम को ही 6, 7 और 8 तीन घंटे में ही इसमें फोन चार्ज करने पड़ेंगे। आगे पंसरनी गुफा पे भी बाबा जी की, और गुफा में तो जो दुकान वाले होते हैं उनके पास किसी किसी पर लाइट होती है, जो लोग जनरेटर रखते हैं, तो जो लोग टेंट वाले होते हैं वो जनरेटर रखते हैं तो वो फैसिलिटी देते हैं, तो आप उनसे बात करके अपना चार्जिंग रखते हैं। अगर आपका ग्रुप बड़ा है, जैसे आप 3-4 लोग यात्रा पे जा रहे हैं, 5-6 लोग, तो आप एक एक्सटेंशन बोर्ड साथ में रख लें ताकि एक पॉइंट पे तो आपका एक ही फोन चार्ज होगा, अगर उसमें आप लगा देंगे तो इकट्ठे 3-4 फोन चार्ज कर सकते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इमरजेंसी कोई नहीं है वहाँ पे, मतलब आसानी से हो जाएगा, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है फोन चार्जिंग की। थोड़ा वेट करना पड़ेगा भंडारों में जाके या टेंट में, पर फोन चार्ज हो जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं आती है। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको सही जानकारी दे पाऊं। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।